गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज आइसोटोप। व्हाट यू मीन बाय आइसोटोप? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। एक ही एलिमेंट अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम है, यहां प्रॉब्लम ये समझना है कि एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो इट वेरी वेल। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट में जनरली हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर तो सबका एक होगा ही होगा, लेकिन मास नंबर यानी उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर में अगर अंतर आ गया तो मास नंबर चेंज हो जाएगा। तो एक ही एलिमेंट अगर एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन सब में एक है तो एटॉमिक नंबर एक है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर में अगर चेंजेस है तो मास नंबर बदल जाएगा। तो ऐसे को यहाँ आइसोटोप कहते हैं। एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन को ले लीजिए, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लेकिन मास नंबर 1, 2, 3, ये तीन फॉर्म में हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, 1, 1 यानी सेम एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, 2, 3, इट मींस एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजेस है। अब इसको ये आइसोटोप का एक एग्जांपल हो गया। उसी हाइड्रोजन के जिसमें एटॉमिक नंबर तो सिमिलर है लेकिन मास नंबर 1 है, तो इसको इस फॉर्म आइसोटोप को प्रोटियम कहते हैं। टू एटॉमिक अगर मास नंबर है तो इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। थ्री मास नंबर यानी ट्राइटियम, इसको ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप आप यहां देख रहे हैं। अब इसको एच डी टी से डिनोट किया जाता है, एच डी टी। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे क्लोरीन। तो क्लोरीन में क्लोरीन का आपको पता है कि यहाँ 17 ही इसका एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन मास नंबर 35, 37। तो ये एक दूसरा भी एग्जांपल समझ में आ रहा है, यानी एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, इसी को कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर उसमें सिमिलर है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज उसका सिमिलर ही होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि न्यूट्रॉन मास नंबर में अंतर है, न्यूट्रॉन में अंतर है, तो मास नंबर में अंतर होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक होगा। टाइप्स ऑफ आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। नॉन रेडियो एक्टिव जो है वो स्टेबल होगा, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ क्लोरीन वगैरह है, तो हाइड्रोजन, ये सब स्टेबल हो जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, और इसलिए इसमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट होगा। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है? तो यूरेनियम 235, यूरेनियम एलिमेंट है आप जानते हो, तो इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस के लिए होगा। आइसोटोप कोबाल्ट 60, ये CO यानी कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235, कोबाल्ट 60 का यूज है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। और आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन में
इसलिए एटॉमिक नंबर 6, लेकिन मास नंबर 14 यूज्ड इन एस्टिमेटिंग द एज ऑफ ओल्ड एंड डेड ऑब्जेक्ट इन आर्कियोलॉजी, यानी कि ओल्ड जो भी ओल्ड है उसका एज, डेड ऑब्जेक्ट, ओल्ड ऑब्जेक्ट, उसके एज के एस्टिमेशन में कि कितना पुराना है, कितने वर्ष पहले है, इसके एस्टिमेशन में ये कार्बन के आइसोटोप का यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आइसोटोप के बाद आइसो बार पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।